हेलो दोस्तों, आज मैं अपने स्कूल ऑफ लाइफ के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करूंगी और ये लास्ट पार्ट होगा। एपिसोड 4 में हमने देखा था हाउस हेड सैमुअल सर के फ्रेंड ने विक्रम और तपन को बहुत मारा था ब्लैकमेल करने के लिए। कैरियर काउंसलर नंदिता उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ ये लोग बोलते हैं हम दोनों की लड़ाई हो गई थी। इसके बाद स्कूल का माली भोला विक्रम और तपन से पैसा लेने आता है। तपन 2 लाख में से 1 लाख का इंतज़ाम कर पाता है। विक्रम तपन से बोलता है बाकी पैसे का इंतज़ाम मैं करता हूँ। जैसे कि विक्रम कैरियर काउंसलर नंदिता के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है, तो वो उनके घर खाने पर जाता है ये सोचकर कि उनसे मदद मांग लूँगा, पर वो ये बोल नहीं पाता है। मगर नंदिता समझ जाती है और हॉस्टल छोड़ते टाइम वो विक्रम से बोलती है तुम अपनी प्रॉब्लम बोलते क्यों नहीं हो, मुझे पता है कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो तुम। जिस पर विक्रम बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं बताऊंगा। विक्रम बहुत दुखी हो जाता है और अपने गुजरे हुए पिता को याद करता है उनकी फ़ोटो देखकर और बहुत रोता है, और रोते रोते अपनी माँ को कॉल लगा देता है पर प्रॉब्लम बताता नहीं है माँ को। उधर सैमुअल सर और उनके फ्रेंड के बीच बहस होती है, जहाँ ये पता चलता है उनके दोस्त ने 12 साल की उम्र में सैमुअल सर का रेप किया था। तब वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए थे और उन्हें लगा था उनका दोस्त उनसे बहुत प्यार करता है, और वो बहुत रोते हैं इस चीज़ के लिए और बोलते हैं देख मैं भी तुम्हारी तरह अंदर से डेड हो चुका हूँ, कुछ फील नहीं होता अब मुझे, और इसके ज़िम्मेदार केवल और केवल तुम हो। उधर पुलिस भी शक्ति सलगांवकर के साथ घूम रहे बच्चे का स्केच बनवा लेती है, जो शक्ति की माँ को लीड मिली थी उसकी मदद से, और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। उधर शक्ति को उस पहाड़ी बच्चे के साथ फिर घूमता दिखाया जाता है। दरअसल ये जो घूमते दिखाया जा रहा है वो पास्ट में हो चुका है, जहाँ शक्ति अपने दोस्त के साथ एक नेजल स्प्रे लेने शॉप पर गया था, और उसके बाद वो अपने हॉस्टल गया था, जहाँ लेट पहुँचने पर सैमुअल सर ने उसे बहुत डांटा था। हॉस्टल के कैलेंडर पर शक्ति ने 2 वीक बाद भागने की डेट मार्क की थी, और उसी शॉप वाले ने उसकी माँ को बताया था कि ये बच्चा यहाँ आया था नेजल स्प्रे लेने एक किसी पहाड़ी बच्चे के साथ। और यहाँ एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 स्टार्ट होता है, जहाँ शक्ति ने स्कूल से भागने से पहले क्या क्या किया था वो दिखाया जाता है। दरअसल शक्ति एडिटिंग में बहुत अच्छा था, जो उसने सीनियर से सीखा था, और वो एडिट करने के बाद जब सीनियर्स के कबर्ड में पेपर रखने गया था तभी वहाँ से पैसे चुरा लिया था, और इसी चीज़ की कंप्लेन करने तपन गया था सैमुअल सर से स्टार्ट में। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वो बहुत घुटन महसूस करता था स्कूल में, वो आज़ाद होना चाहता था, वो एक जगह टिक नहीं सकता था अपने पापा की तरह ही, जिस कारण वो अपने पापा के साथ रहना चाहता था क्योंकि उनका काम ऐसे ही घूमने टहलने वाला था। पर जब उसके पापा उसके लेटर्स का जवाब नहीं दिए थे तो उसने उनको ईमेल किया था कि आपके साथ कोई खुश नहीं रहता, मम्मी भी रोती रहती थी, इसलिए अब मैं अपनी मम्मी के पास जाऊंगा और वहीं उनके साथ रहूंगा। उसके बाद शक्ति चुराए हुए पैसे लेकर एक बैग में छुपा देता है, जिसमें और भी चीज़ थी भागने की, जैसे कि कुछ खाना, टॉर्च और नाइफ जैसी, और वो पूरी तैयारी के साथ स्कूल से भागने वाला था। उधर माली भोला बहुत परेशान है कि उसका बेटा मिल नहीं रहा है। जो तपन ने उसे 1 लाख दिए थे वो ड्रग सप्लायर को देता है और बोलता है मेरा बेटा दे दूँ, पर वो बोलते हैं वो मेरे पास नहीं है। माली बहुत दिन से अपने बेटे को ढूंढ रहा है। दरअसल भोला का बेटा चंचल ही शक्ति के साथ घूम रहा था। उधर पुलिस कुत्तों की तरह भोला को ढूंढ रही है, क्योंकि चंचल उसका बेटा है और वो एक बार पकड़ गया तो विक्रम और तपन भी पकड़ जाएंगे, जिस कारण विक्रम तपन से मिलने जाता है लू में। वहाँ दोनों दुखी बैठे थे कि अब उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति को भागने के लिए बस चंचल ही मिला था। इतने में विक्रम की माँ पैसा लेकर विक्रम के हॉस्टल आ जाती है, क्योंकि वो उनके सामने रो रहा था फ़ोन पर। अभी तक इन सबको ये पता है कि विक्रम ने भोला से ड्रग लिया था, जिस कारण भोला उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। हाउस हेड सैमुअल सर विक्रम और तपन को ढूंढने जाते हैं। विक्रम तो मिल नहीं रहा था,
पर वो तपन को हॉस्टल लू में ढूंढ लेते हैं, जहां तपन डर कर अपना हाथ काट चुका है और सैमुअल सर उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। और यहां एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है जिस दिन शक्ति हॉस्टल से भागने वाला था उस दिन से। शक्ति अपना छुपाया हुआ बैग एक झोपड़ी से उठाता है जिसमें उसके सब ज़रूरी चीज़ है, पर भागते टाइम रात में उसे विक्रम और तपन देख लेते हैं और उसका पीछा करके पकड़ लेते हैं। पर इन सब के बीच शक्ति ने विक्रम के पैर में लात मार दी थी, वही चोट विक्रम के पैर में फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। विक्रम को गुस्सा आ जाता है जिस कारण वो अनजाने में शक्ति को धक्का दे देता है और वो एक टूटे हुए पेड़ पर गिर जाता है और ऑन द स्पॉट शक्ति की मौत हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ विक्रम माली भोला से मिलने उसकी बताई हुई लोकेशन पर जाता है, मगर बिना पैसे के, क्योंकि उसने अपनी माँ से पैसे नहीं लिए हैं। और कैरियर काउंसलर नंदिता को भी वो लोकेशन भेज देता है। जब विक्रम वहाँ पहुँचता है तब भोला और विक्रम में लड़ाई होने लगती है और अपने बचाव में विक्रम भोला को मार डालता है। तभी वहाँ नंदिता भी पहुँच जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ विक्रम नंदिता के सामने रोने लगता है ये कहते हुए कि मैंने उसे मार दिया। नंदिता बोलती है वो केवल एक्सीडेंट था, परेशान मत हो। पर विक्रम बोलता है मैंने शक्ति को मार डाला। ये सुनकर नंदिता हिल जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ तपन पुलिस को पूछताछ में बता चुका है कि सैमुअल सर ने उसका और विक्रम का रेप किया है और वो पॉस्को एक्ट की विक्टिम है। और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद जब नंदिता को ये पॉस्को वाली बात पता चलती है तब तो डबल चौक में चली जाती है और पुलिस को बिना बताए शक्ति वाली बात नंदिता पुलिस स्टेशन से चली जाती है। पुलिस सैमुअल सर को पूछताछ के लिए बुलाती है और यहाँ एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है जहाँ पुलिस सैमुअल सर से तपन के लगाए हुए इल्ज़ाम के बारे में पूछती है। सैमुअल सर सब कबूल लेते हैं। उधर शक्ति सलगांवकर का खून विक्रम ने किया है ये बात नंदिता किसी को नहीं बताती है और जो कोर्ट में चलता है अब वो केवल भोला के मर्डर वाला केस है। कोर्ट की सुनवाई वाले दिन विक्रम और तपन कोर्ट पहुंचते हैं, जहां शक्ति की माँ अपने बेटे के बारे में विक्रम से पूछती है। वो इनडायरेक्टली उसकी माँ को बता देता है कि शक्ति मर चुका है और ये बात विक्रम की माँ सुन लेती है और समझ जाती है इसकी मौत के पीछे भी विक्रम का हाथ है। विक्रम की माँ बहुत दुखी हो जाती है। नंदिता भी स्कूल से रिज़ाइन कर देती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। जब शक्ति की मौत हुई थी तब तपन जाकर भोला को बुला लाता है उन लोग की मदद के लिए, जिसके बदले तपन ने बोला था जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। भोला इन दोनों को हॉस्टल भेज देता है और यही सीन फर्स्ट एपिसोड में था जब ये दोनों रात में हॉस्टल लौटे थे और यही पैसे के लिए भोला ब्लैकमेल कर रहा था इन दोनों को। भोला पहले तो उस जगह पर आग लगा देता है ताकि सारे सबूत ख़त्म हो जाएं। फिर वो शक्ति की बॉडी को अपने घर लेकर जाता है, जहां उसको आरी से काट कर छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और मुर्गी को खिला देता है। जिस तरह शक्ति ने मुर्गी के बच्चे को मुर्गी को खिलाया था अब वो खुद उसी मुर्गी का निवाला बन चुका था। पर ये सब करते भोला का बेटा चंचल ने देख लिया था। वो बहुत डर जाता है और साथ ही साथ बहुत दुखी और अकेला भी हो जाता है और वो सब छोड़कर उसी बाबा के पास रहने चला जाता है जिसके पास शक्ति और चंचल जाने वाले थे। और यहाँ ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।